फाइनली हम लोग निकल गए हैं, अभी दिल्ली में ही हैं। कहाँ हैं ये देखिए, ऑलमोस्ट हम सबकी पैकिंग हो गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मेरा पहला ट्रेवल व्लॉग है, तो इस व्लॉग में आपको मेरा एक अनदर साइड भी देखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़ारा घूमी करने जा रही है, रात के 1 बज रहे हैं और यहाँ हमारी पैकिंग चल रही है और जुहान ज़ारा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड हो सुहान? हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं घूमी करने। अभी बहुत रात हो गई है पैकिंग करते करते, तो अभी सो जाते हैं, कल सुबह उठेंगे फिर आपसे बात करेंगे। बन जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए मैं दुपट्टे लिए आई। मैंने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया तो ये लोग मुझे मनाने आए, तो फिर मैं मान गई। ब्लॉगिंग हो रही है, कल रात मैं तो मान गई थी बट अब पापा रेडी नहीं हो रहे जाने के लिए। सारा सामान जो है हम समेट रहे हैं। अभी इन्हीं की वजह से कैंसिल हुआ, फिर ये कर लिया। फाइनली पापा भी मान गए। आप पे आगे ड्रेस आई है, पहन के देख लो। तो बस कल से यही चल रहा है और इसी सब उधेड़ बुन में हम लगे हुए हैं कि जाना है कि नहीं जाना है, बट फाइनली इट्स डिसाइडेड कि हम जा रहे हैं और हम जा रहे हैं मनाली। तो आप लोग भी बिल्कुल व्लॉग में बने रहिए क्योंकि आगे बहुत ही जबरदस्त आपको व्यूज दिखने वाले हैं। कहाँ जा रही हूँ, कहाँ रुकूंगी और क्या क्या हम लोग करेंगे, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। ये देखिए, ऑलमोस्ट हम सबकी पैकिंग हो गई और बहुत ज्यादा टाइम हो गया है पैकिंग करते करते, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे। मुझे तो टाइम नहीं लगता है अपने कपड़े ज्यादा पैक करने में, लेकिन बच्चों के बहुत ज्यादा कपड़े हो जाते हैं, उनके बहुत सारे एक्स्ट्रा आइटम होते हैं, ये डायपर बैग और ये एक्स्ट्रा चीजें हैं उनकी, और बाकी मेन बैग्स वगैरह तो होते ही हैं, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ कैरी करके लेके जाना पड़ता है। शाम के 6 बजने वाले हैं और रात तक हमको निकलना भी है। फैलावा बहुत मच गया है पैकिंग करते करते, तो सारी सफाई करके घर साफ करके ही हम निकलेंगे। ज़ारा आर यू रेडी टू गो? ये देखिए ज़ारा रेडी हो चुकी है, बस हम लोग निकलने ही वाले हैं। ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। वी आर गोइंग टू मनाली। फाइनली हम लोग निकल गए हैं, अभी दिल्ली में ही हैं। इस वक्त बज रहे हैं रात के 11 और सबसे पहले हम लोग डिनर करेंगे। डिनर करके हम लोग घर से नहीं निकले थे, तो चलिए आपसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यहाँ हम लोग डिनर करने के लिए रुके थे और बहुत अच्छे से हमने डिनर एंजॉय किया। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, 3 कार्स एक साथ चल रही थी और वहाँ का एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और काफ़ी अच्छा माहौल था डिनर करते हुए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और रात भर हमने ड्राइव किया, फिर सुबह हम फाइनली पहाड़ों पर पहुँच गए। पहाड़ों पर बहुत ही प्यारा लगता है। जब आप मनाली जाओ ना तो आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे टनल्स रास्ते में बढ़ते हैं, तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, फिर भी बहुत टाइम लगता है। मैं ऑलमोस्ट 3 बार जा चुकी हूँ मनाली, अब 4थी बार इस बार जा रही हूँ। सुबह फ्रेशन अप होने के लिए हम रास्ते में रुक गए, कुछ खाना पीना था और बच्चों का भी डायपर चेंज करना था और फिर से निकल गए हम अपने सफ़र पर। फाइनली गाइज हम लोग मनाली पहुँच गए और एग्जैक्ट 10 बजे हम लोग मनाली पहुँचे, पूरे 12 घंटे भी नहीं लगे। रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत सारी टनल्स भी रास्ते में आई और बहुत मज़ा आया, रास्ता एंजॉय किया। लेकिन आप हालत देख रहे हो ना, कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं ट्रैवल करने में, लेकिन अभी आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे तो अच्छा फील होगा। होटल रूम हमने ले लिया है, अभी सामान वगैरह शिफ्ट हो रहा है, फिर हम भी जाएंगे। हम सब तो बहुत ज़्यादा थक गए लेकिन इनकी बैटरी अभी भी चार्ज है। ये रूम से एंटर करते ही टीवी का पैनल है और साथ में ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा रूम नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और रिलैक्सिंग है। और ये बाहर बैल्कनी है, बाहर का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आप बैठकर रिलैक्स कर सकते हो और ये हमारा बेड है जिसपे सामान आ गया है और ये साइड टेबल। हमको सब बच्चे नदी के पास गए थे तो हम अपने रूम से उन्हें देखे। ये खड़े चिंगी मिंगी और ये रही रिवर। ये हमारे रूम से बाहर वेलकम का व्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था रात में, और ये पानी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड सूदिंग लग रही थी। पूरा दिन हम लोग कहीं नहीं गए, रेस्ट किया क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके आए थे और थक गए थे। फिर रात को डिनर करने के लिए हम अपने होटल के ही मेस में डिनर करने चले गए, बहुत ही सिंपल वेज खाना हमने खाया और फिर वॉक करने चले गए। देखिए हम यहाँ वॉक करने आए हुए हैं रात को डिनर करने के बाद और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, जुलाई का मौसम चल रहा है लेकिन काफ़ी अच्छा व्यू है और बहुत सुकून मिल रहा है। हाय गाइस, आज हमारी ट्रिप का day 3 है और ये सुबह का नाश्ता हमारा आ चुका है, तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और बाहर तो आप देख ही सकते हो। तो चलिए मैं नाश्ता एंजॉय करती हूँ, अपना नाश्ता करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। क्या खाएंगे बेटा ब्रेकफास्ट में? पराठा अभी खिलाते हैं। देन शावर मैंने ले लिया और यहाँ तक आई हूँ तो सोचा थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ आज। तो फाइनली हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और नहा धो के रेडी हो गए हैं और मैं यहाँ पर अपनी बैल्कनी में आ गई हूँ। लुक एट द व्यू बिहाइंड मी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इससे ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड सूदिंग माहौल मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगा।
बस यहाँ आप इस तरह से बैल्कनी में खड़े हो और बाहर का नज़ारा देख रहे हो। बस मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं बैठी रहूँ और कहीं भी ना जाऊँ। ज़ारा खाना खाएगा बेटा? ये देखिए हमारा खाना आ चुका है, तो हम लंच करेंगे अभी। तो शाम के इस वक्त 5 बज रहे हैं और आज हम लोग कहीं घूमने निकले, कजिन्स वगैरह और मम्मी डैडी घूमने गए हुए हैं। हमारा मन नहीं था क्योंकि रूम में रुकने का मजा ही अलग है। मैं यहाँ अपनी बालकनी में बैठी हुई हूँ और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं मुझे। तो आज मेरा मन था कि ना मैं रूम में टाइम स्पेंड करूँ और रूम में ही इंजॉय करूँ थोड़ा सा। कल जब रोहतांग पास जाएंगे थोड़ी स्नो वनो देखेंगे ना, बर्फ़ देखेंगे और थोड़ा मज़ा आएगा, तो आपको भी दिखाएंगे और खुद भी इंजॉय करेंगे। ज़ारा हमसे ज़्यादा तो यहाँ ज़ारा को मज़ा आ रहा है, बस खूब सो रही हैं, खूब मस्ती कर रही हैं और एकदम रिलैक्स हो गई हैं यहाँ आकर। छोटा बबुआ मनाली, हम तो घूमने नहीं गए लेकिन इनकी मस्ती में कोई भी कमी नहीं आई। ये पानी पानी भरा हुआ है जो आ रहा ऊपर से वाटरफॉल में। और ये बबुआ हमारा, बबुआ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ जहान, हाँ ये बहुत देर से पानी में खेल रहा था, अब फिर दोबारा थोड़ी देर के रखा है ताकि इनकी वीडियो लेंगे कहाँ खेल रहा था, ट्विंकल को दिखाने के लिए कि ये कितना। और ये पानी झटने के लिए तैयार नहीं है, इतना ठंडा पानी है। बचुआ हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ बैठे हुए थे, है ना रमेशा? आज हम वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि कैंप लगा हुआ है। दो चॉकलेट दे दो, मेरे लिए भी चॉकलेट बहन। तू भी चॉकलेट? हाँ भाभी तुम्हारे लिए भी चॉकलेट। 3 दे दो चॉकलेट। रात को हम फिर वॉक करने निकले और पहाड़ों पे आए और आइसक्रीम नहीं खाई तो फिर क्या ही खाया, इसलिए हमने आइसक्रीम एंजॉय की। बाकी सब मैं आपको इस ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। बाय।